क्या फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो में वन टैप सीखने के लिए आए हो? क्या आप लोग को जो वन टैप प्लेयर आपके नाक में दम करके रखा है, क्या उन लोग को भी आप लोग वन टैप मारना चाहते हो? तो इस वीडियो में आप सबको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला है जिसका यूज करके आप लोग जो अपने गेम में किसी भी इनेमी को वन टैप मार सकते हो। और हाँ, मैं आप सबको बता दूं, आप लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में कमेंट कर रहे थे कि भाई ओबी 36 के पास जो भी हमारे गेम का सेंसिटिविटी में जो भी चेंजेज हुआ है उसके बारे में बताओ, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है ना कि हेडशॉट मारने के लिए 75% तो हमारा सेंसिटिविटी सेटिंग ही वर्क करता है। तो इस वीडियो में आप सभी को दो चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले जो ऑटो हेडशॉट यहां पे सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, और दूसरी बात यहां पे जो फायर बटन की साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है? बहुत लोगों का जो बहुत ही छोटा होता है, बहुत लोगों का बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, तो एक्चुअली क्या साइज होना चाहिए, तो इस वीडियो में आप सभी को यहां पे मैं बताने वाला हूं जिससे आप लोग बहुत इजीली किसी भी एनिमी को अपने गेम में वन टैप मार सकते हो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप करने वाला अपने शैतानी दिमाग में ये बात को कभी मत लाना। आप लोग ना इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर ले तो आपके दोस्त आज के बाद आप सभी को वन टैपर बुलाने वाली है। तो वीडियो को ना आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच कर, मैं आप सभी को वीडियो में आगे बताऊं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर देना है, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोगों की तरह मेरी ये आदत नहीं कि हर बार आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए ही बोलूं, एक बार बोला ना तो आप लोग आराम से कर देना, ठीक है? मैं हमेशा आप सभी को नहीं बोलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को कौन सा टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करना है, मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ जो कि वन टैप मारने की रियलिटी आप सभी को ना कोई भी कितना भी बता दे, कितना भी टिप्स ट्रिक्स आप सभी को दे दे, मैं आप सभी को कितना भी कुछ बता लूं, कितना भी आप सभी को घोल के भी पिला दूं ना, तो आप लोग वन टैप नहीं मार सकते। जिस चीज का रियलिटी है वो चीज है आपका कॉन्फिडेंस, आपका हिम्मत ही आप सभी को ना वन टैप मारने के लिए सिखा सकता है, किसी भी एनिमी को वो आप लोग वन टैप मार सकते हो, ठीक है? तो यदि आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप लोग कभी भी ये चीज नहीं कर सकती है। ये पार्ट वन वीडियो होने वाला है जो हमारा ऑटो हेडशॉट के लिए ना, ये पार्ट वन वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट का जो आप लोग इंतजार करना इस चैनल पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देख ले तो 50% आप सभी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। जो ये प्रॉब्लम है ना कि आप लोग वन टैप नहीं मार पाते हो, आप लोग का जो एमओ कभी भी आप लोग हेड पे नहीं लगता, वो ऊपर से ही निकल जाता है, हवा में फायर हो जाता है, ये चीज आप सभी को आज के बाद नहीं देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को बता दो कि कौन सा बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है जो कि हमारे ऑप्टर ओबी 36 के बाद हुआ है। तो फर्स्ट में आप सभी को सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बताने वाला ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले रीसेट में कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप सभी को अपने जनरल जो है ना उसको आप सभी को 100 कर देना है, चाहे आप सभी का कोई सा भी डिवाइस हो, ठीक है? जनरल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे सेकंड है रेड डॉट, ठीक है? रेड डॉट को कितना रखना चाहिए, तो लिटरली आप लोग यहाँ पे समझ लो कि 75 अप्रोक्स यहाँ पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे 75-80 भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है? आप लोग अपने डिवाइस के अनुसार, जैसे कि आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओगे वहां पर आप लोग चेक करके एक बार चीज देख लेना। जो थर्ड है 2x स्कोप है, तो 2x स्कोप को क्या रखनी चाहिए, तो 70 आप लोग यहाँ पे रख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर जो नीचे है 4x स्कोप है, तो 4x स्कोप को यहाँ पे कितना रखना चाहिए, यहाँ पे जो भी बता रहा आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर लेना, ठीक है? तो हमेशा जो आप लोग यहाँ पे वन टैप मार सकते हो, 4x स्कोप को यहाँ पे जो 75 तक यहाँ पे रख ले, इससे तो कम ही आप लोग रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, 65 रखना। यदि आप लोग स्नाइपर्स को चलाना पसंद करते हो तो 50 से प्लस हमेशा रखना। और फ्री लुक तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, हर लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री लुक जो रखना है ना आप सबको कम से कम यहाँ 80 से 85 तक जरूर से रख लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख लो इसका स्क्रीनशॉट, आप लोग ले करके अपने गेम में इसका इस्तेमाल करना, इसका सेम टू सेम कॉपी करना, ठीक है? सेंसिटिविटी सेटिंग यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी कर लेना आप सभी के गेम में, जो हमेशा आप लोग जो वन टैप किसी भी एनिमी को मार सकती है। सब मैं यहाँ पे दूसरा में बात करने वाला हूँ फायर बटन साइज। पहले तो आप सभी को बता दिया कि ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग क्या है, ठीक है? बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग में आप सभी को बताया। अब दूसरा बताता हूँ कि जो यहाँ पे फायर बटन की एक्चुअल साइज क्या होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों को जो हेडशॉट मारने में बहुत ही इजी और वन टैप बहुत ही इजीली लग जाए। क्योंकि फिर से यहाँ पे मैं दो आप सभी को यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? दो साइज बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल परफेक्ट साइज हर डिवाइस के लिए होने वाला है। जो भी आप सभी के डिवाइस के लिए जो परफेक्ट होगा उसको आप लोग यहाँ पे रख लेना, जो मैं आप सभी लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप सभी के डिवाइस के अनुसार बेस्ट होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जो साइज रखना है ना, यहाँ पे सबसे पहले एक तो यहाँ पे 40 दे देता हूँ, ठीक है? 40 आप सभी को यहाँ पे एक्चुअल साइज होगा। और दूसरा यहाँ पे जो साइज होगा ना, यहाँ पे जो 45 रखना, ठीक है? उससे ज्यादा आप लोग कभी भी नहीं रखना, हर डिवाइस के लिए एक्चुअल साइज होगा, ज्यादा छोटा भी नहीं रखना, ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है।
आप सभी को वन टैप के लिए दो स्ट्रेटेजी अपने इस वीडियो में बताया ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि आप सभी के लिए जाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि फिर से ये पहला चीज है जो कि आप सभी का 50% प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो चुका है, बाकी का 50% सॉल्यूशन जो आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वन टैप के लिए पार्ट टू वीडियो आने वाला, तो आप लोग उसका इंतजार करना, नेक्स्ट डे आप सबको वो चीज देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज ना आप लोग गेम में जो सेम टू सेम फॉलो करना, और आज के बाद आप लोग ये चीज ट्राई करना कि आप लोग का जो कभी कभी वन टैप लगता है या फिर नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप सबको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनका भी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, वो भी आराम से कोई भी एनिमी को वन टैप मार सकेंगे। अपने भी तो किसी को सब्सक्राइब नहीं करना, तो किसी को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बोले बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।